दोस्तों फिर हम बात करेंगे ओजी फेन टोकन के ओजी कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 7.13 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, एक हाई वॉलिटिली कॉइन है, एक अच्छा खासी रिकवरी कॉइन है, क्विक मूवमेंट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर इस कॉइन में डंप होता है तो वहाँ से भी ये कॉइन क्विक रिकवर कर जाता है। रिसेंटली इस कॉइन में बहुत अच्छे ब्रेकआउट देखे, उसके बाद करेक्शन भी देखा, लेकिन अभी इस करेक्शन के बाद रिसेंटली 5.92 पर प्राइस चली गई थी और वहां से अभी तक ये कॉइन 20% से ज्यादा रिकवर कर चुका है, जबकि किसी भी दूसरे कॉइन में इतनी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर तो हमने बैक टू बैक अच्छे ब्रेकआउट देखे। अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में ये कॉइन ऑलमोस्ट 3.5 USDT अराउंड ट्रेड कर रहा था, वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले जिसमें दो दिन के अंदर इस कॉइन ने 15 USDT वाला एरिया ट्राई किया, ऑलमोस्ट 400% से ज़्यादा का क्विक मूवमेंट इसकी प्राइस में देखने को मिला। फिर वहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, 8 USDT तक प्राइस यहाँ पर आ गई थी, फिर वापस नेक्स्ट ब्रेकआउट 16.5 वाला लेवल इसने ट्राई किया, तो एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ था। वहां से 50-60% का बड़ा करेक्शन देखने को मिला क्योंकि ओवरऑल BTC और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिला, लेकिन यहां से रिकवर कर रहा है। उस टाइम पर हमने 14 अप्रैल को इस कॉइन में जो ब्रेकआउट हुआ था वो हमने ग्रेप किया, वहाँ पर हमने जो टारगेट्स बताए थे उस लेवल तक 11 और 12 USDT हमने टारगेट बताए थे और 13 वाले शॉर्ट टर्म के लिए बताए थे। प्राइस जो है वो 15 तक चली गई थी, उसके बाद उस टाइम पर भी अगर आपने सेल नहीं किया होगा नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिला, नेक्स्ट ब्रेकआउट के टाइम पे इसने 16.5 वाला लेवल ट्राई किया, उस टाइम पर भी हमने वापस अपडेटेड लेवल शेयर किए थे जिसमें हमने आपको जो लेवल्स बताए थे 13, 13.8 और 14.5 शॉर्ट टर्म वालों के लिए, तीनों टारगेट सेट हुए और 16.5 वाला नया लेवल ट्राई किया। जिन लोगों ने भी उस टाइम पर कॉइन में एंट्री ली थी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, और जो भी हमारे चैनल को पिछले 2-3-4 महीने से या इस साल भी फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, मार्च में जब भी अपॉर्चुनिटी आई हमने बाय किया, जब भी अच्छे लेवल को इस कॉइन ने ट्राई किया या दूसरे कॉइन्स में ब्रेकआउट देखने को मिला हमने लेवल आपको शेयर किए, और उन लेवल्स को पहले भी एंट्री लेवल्स में भी हम आपको बताते हैं और अपडेटेड लेवल्स में भी अपडेट करते हैं ताकि जिन लोगों ने पहले से बाय किया हुआ है और हमारे वीडियो वॉच नहीं किए हैं वो किन लेवल्स पर सेल करें, ये सारी चीज़ें हम आपको इस चैनल के थ्रू हमारे चैनल के थ्रू हम आपको बताते हैं, रेगुलर गाइड करते हैं। अभी इस कॉइन की अगर बात करें तो ये फेन टोकन है। फेन टोकन्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा क्विक रिकवरी देखने को मिलती है। इससे पहले भी इस कॉइन ने अच्छे लेवल्स को ट्राई किया था जब ये डाउन ट्रेंड में नहीं था। अच्छे लेवल्स मतलब यहाँ से जो अभी रिसेंट वाला इसने एरिया ट्राई किया 16.5, ये ऑलमोस्ट पहले इस कॉइन ने यहाँ पर 17 वाला हाई बनाया था। तो इस कॉइन ने अगर अभी बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड प्राइस चली गई थी, जबकि अभी तक किसी कॉइन में ऐसा नहीं हुआ जिसने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ट्राई किया है। एक आध कॉइन है जिनमें बड़ी पार्टनरशिप हुई है। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 7.6 USDT वाला ऊपर की तरफ इस कॉइन को रेजिस्टेंस एरिया है और 6.2-6.3 USDT वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है जिसको अभी इसने मेंटेन किया हुआ। प्राइस गई थी 6 USDT को ट्राई किया था लेकिन उससे ऊपर मेंटेन रहा, डेली क्लोजिंग 6.2 से ऊपर देखने को मिली और उस सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक नहीं किया। रेजिस्टेंस एरिया जो है उसको अभी अगर यह ट्राई करता है थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी मिलता है तो ईजिली 7.6 वाले 7.5 वाले जो एरिया उसको इजीली ब्रेक कर जाएगा। ये एरिया जो है 7.5 7.6 वाला पहले इसको सपोर्ट था लेकिन इसने अभी लूज कर दिया था। अब यहां से अगर बात करें एंट्री की तो 7.1 के अराउंड ये कॉइन ट्रेड कर 7.13 पर ट्रेड कर रहा। आज इसने 7.47 वाले लेवल को ट्राई किया एक बार, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई और उसके बाद वापस इसने 7.35 को ट्राई किया था। तो यहां से देखिए 7.17 USDT वाला एक अच्छा लेवल है जो हमारे लिए एंट्री बन सकती है।
एक अच्छी एंट्री बन सकती है। और यहाँ से BTC मूव कर रहा है 26,800-27,000 का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें डंप देखने को मिला, लेकिन अब मार्केट उस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर चुका है और यहाँ से करेक्शन भी हो चुका है, मैक्सिमम जो करेक्शन था, स्टेबिलिटी भी है, तो यहाँ से वापस मूवमेंट के चांसेस है। तो 7.1 वाला लेवल जो है एक अच्छा खासा लेवल है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको 7.1 पर एंट्री लेनी है। उसके बाद यहाँ से अगर प्राइस नीचे वाले लेवल को वापस रिटेस्ट करती है, देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से रिटेस्ट नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है उसको भी, उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो सेकंड आपके लिए 7.6 वाला एरिया रहेगा जहाँ पर आपको बाकी 30% पार्ट से एंट्री लेनी, यानी कि 7.1 और 6.6 दो लेवल्स पर आपको 70-30 के रेशो में एंट्री लेनी है। अब यहाँ से टारगेट्स की बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए 8.5 वाला जो टारगेट है वो रहेगा जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, 8.5। और सेकंड टारगेट रहेगा 9.2 वाला लेवल जहाँ पर आपको 60-40 के रेशो में सेल आउट करना है। 8.5 को ये कॉइन इजीली ट्राई कर लेगा ऊपर की तरफ, 7.6 के बाद 9 वाला टारगेट रहेगा, 9 वाला इसको रेजिस्टेंस एरिया है, तो बीच में कोई इसको रेजिस्टेंस फेस करने को नहीं मिलेगा कि जहां से रिजेक्शन देखने को मिले, इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी। इजीली 7.5 को ट्राई करेगा, ब्रेक करेगा उसको इजीली, और फिर नेक्स्ट ये 9 पर आपको 9 पर रुकेगा, तो उसमें आपको जो सेकंड टारगेट 9.2 उसके लिए हो सकता है कि जिस दिन ब्रेकआउट हो उस दिन ट्राई नहीं करें, एक दो दिन बाद ट्राई करें। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए यहाँ से 10 का राउंड टारगेट रहेगा जहाँ पर आपको अपना 100% पार्ट सेल आउट करना है, सेल लिमिट आपको लगा देनी, जो भी लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं या शॉर्ट टर्म वाले हैं जिनके जो भी टारगेट्स हैं उनको अपने टारगेट्स के हिसाब से सेल लिमिट लगा देनी, ताकि जब भी प्राइस वहाँ जाती है आपका एरिया हिट हो और प्रॉफिट बुक हो जाए। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस कॉइन में एंट्री लिए लेना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट ये कॉइन देकर चला जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं, देखिए ब्रेकआउट होता है आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जो ब्रेकआउट में ऊपर वाले लेवल पर बाय कर लेते हैं, ना है नॉलेज है उनको, ना एक्सपीरियंस है, मार्केट में आए हैं, पैसा रखा हुआ उनके पास बहुत सारा, 50,000-1,00,000 कहीं कोई नौकरी कर रहा है, किसी के पास घर का पैसा है, बस सुना क्रिप्टो मार्केट में बहुत पैसा है, किसी कॉइन में ब्रेकआउट हुआ, आपने किसी भी एक्सचेंज को ऐप डाउनलोड किया, वहाँ पर आपने लॉगिन किया, इस कॉइन में ब्रेकआउट हुआ है, उसमें बाय कर लिया, अब ऊपर वाले लेवल पर बाई कर लिया, अब वेट कर रहे रिकवरी का। किसी का कमेंट आया था 15 पर बाइंग है, अब आप सोच सकते हैं यहाँ से कि 16.5 तक तो प्राइस गई थी रिसेंटली और जनाब ने 15 पर बाई कर लिया, अब आप यहाँ से रिकवरी का वेट करेंगे, 50% का अभी करेक्शन, 50% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जितने भी इन्वेस्टर हैं पहले तो इस टाइप की गलतियाँ ना करें, दूसरा अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रॉपर आपको यहाँ हमारे प्रीमियम में हम यहाँ पर तो गाइड करते ही करते हैं, इसके अलावा और भी अगर आपको बेटर गाइडेंस चाहिए, बेटर आपको स्ट्रेटजी चाहिए, बेटर आपको वहाँ पर सर्विसेज चाहिए, तो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करें, आप वहाँ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीज़ें आपकी है, जो भी कन्फ्यूजन है, क्रिप्टो रिलेटेड क्वेरीज है, सब रिजोल्व की जाएगी, आपको प्रॉपर सिग्नल शेयर किए जाएंगे ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करें, साथ के साथ आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, और आने वाले दिनों आप खुद से बहुत अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वन स्टॉप DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहां पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहां पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सब एजुकेशन पर्पस से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।